హరే కృష్ణ. ఒక స్వామి కార్యక్రమాన్ని अमेरिका में बहुत से भारतीय हैं उनको क्रिकेट का बहुत शौक है, पर जब मैं कुछ प्रोग्राम देता हूँ कई बार हम भारत से क्रिकेट के कारण भर देते हैं, पर जब अमेरिकन लोग होते हैं वो जब क्रिकेट सुनते हैं तो उनको सबसे पहले क्रीड़ा याद आता है. बास्केटबॉल बड़ा है और अमेरिकन रग्बी भी है. यहाँ तक कि कई ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं वो विद्यार्थी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं ताकि उस यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल में टीम जा सके या उसके बेसबॉल टीम जा सके. तो और कई यूनिवर्सिटीज के लिए स्कॉलरशिप दे दिए स्पोर्ट्स के लिए. तो स्पोर्ट्स है तो सारे विश्व भर में बहुत लोकप्रिय है, अलग अलग देशों में अलग अलग स्पोर्ट्स लोकप्रिय हो सकता है. पर अभी हम देखेंगे कि हम सब इतना स्पोर्ट्स से आकर्षित होते हैं तो उसका कारण क्या है? आप में से कितने लोग क्रिकेट मैचेस देखते हैं या क्रिकेट मैचेस सुनते हैं कम से कम? अच्छा सुना सुनना तो नामुमकिन ही है तो हमको रुचि नहीं हुई तो दूसरे लोग बात करने वाले. तो मैं जैसे बताया था परिचय के परिचय में काफी समय तक मैं पहले क्रिकेट कैसे करती थी सबको क्रिकेट की रुचि कम नहीं थी. फिर बाद में जब ब्रह्मचारी बन गया तो क्रिकेट कुछ ज़्यादा रुचि नहीं रहा. पर एक बार मैं मुंबई में ऐसे तेलंगाना का लेक्चर दिया था जैसे माता में और उसके बाद में काफ़ी अच्छा प्रश्न उत्तर हुआ और फिर प्रश्नों का जवाब वगैरह दिया. तो उसके बाद में दूसरे ब्रह्मचारी थे कोई प्रचारक थे वो मुझे मिला है और वो सराहना कर रहे थे. लेकिन जो वो जो प्रश्न था उसका जवाब तुमने ऐसे दिया जैसे गुगली पर सिक्सर मार दिया. तो तभी मैं सोचने लग गया कि ये क्रिकेट हमारे जीवन में हमारे भारत में कितना प्रचलित हो गया है कि एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी का सराहना कर रहा है क्रिकेट का उदाहरण. तो वास्तव में हम सब अभी एक तरह से क्रिकेट में कोई स्पोर्ट्स से काफी रुचि रखते हैं. तो आपको क्या लगता है क्रिकेट में इतनी रुचि क्यों है लोगों की, आपके खुद की इतनी रुचि क्यों है क्रिकेट? क्यों देखते हैं आप क्रिकेट मैचेस? बहुत सारी शक्ति इस्तेमाल होती है. हाँ आजकल T20 तो आ गया ओवर ही बैठ सकते कौन की तरफ से बॉल मार सकता है, कौन बॉलिंग कर सकता है, बैटिंग कर सकता है और कुछ कॉन्स्टेंटली अनसर्टेनिटी बहुत रहती है. तो उससे क्या होता है बराबर है उससे कुछ एक्साइटमेंट आती है. तो हम एक तरह कहते हैं मनोरंजन चाहते हैं और ये उससे एक्साइटमेंट होता है. इसीलिए अगर कोई ऐसे दो टीम्स है जिसमें एक टीम बहुत अच्छी है दूसरी टीम बिल्कुल निकम्मी है तो वो मैच देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता. ठीक है इसे तो ये जीतने वाले क्या कुछ कुछ नया चाहिए हमको. तो बेसिकली हम सब स्पोर्ट देखते हैं सब मनोरंजन के लिए देखते हैं और ये मनोरंजन के लिए क्यों देखते हैं क्योंकि क्या होता है हमारे असली जीवन जो होता है वो इतना मनोरंजक नहीं होता है. असली जीवन जो होता है काफी समय बोरिंग हो जाता है. अमेरिका में एक सोशल रिसर्च हुआ था उसमें देखा होता है कि लोगों की मानसिक भाव क्या होते हैं उनकी कैसे भावनाएं होती है. कैसे पता लगा खास करके जो लोग अच्छे अच्छे स्वास्थ्य में हैं अच्छे आर्थिक परिस्थिति में हैं तो वो 5% समय अपने जीवन में सुखी रहते हैं, 5% समय दुखी रहते हैं और 90% समय बोर्ड रहते हैं.
तो जी बोर्डम है ये सबको आता है कभी कभी, और जब बोर्डम आता है तो उससे हम राहत जाते हैं। अभी उसके लिए हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं, और एक बहुत लोकप्रिय कार्य है मनोरंजन कार्य है उसके बारे में है क्रिकेट। अभी मनोरंजन तो प्राचीन काल से आज संस्कृति में रहा है, पर आज के समाज में मनोरंजन है वहाँ बहुत तीव्र बन गया है। अगर आज से 1000 साल बाद कोई आर्कियोलॉजिस्ट होंगे जो आज की किसी शताब्दी के संस्कृति के बारे में संशोधन कर रहे हैं, तो वो देखेंगे कि ऐसी क्या चीज है जिससे लोग बहुत सारा इस युग इस शताब्दी की सबसे विशेष चीज क्या है। अगर देखेंगे तो ऐसे जो आप अगर देखें प्राचीन समय से कोई मटका मिल जाता है, कोई लकड़ी मिल जाती है, ये सब लोग ऐसे चीज बनाया करते थे श्रीराम देव, तो आज के समाज में एक ऐसी चीज है जो बहुत हम से बनाते हैं फिर बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, और वो क्या है मूवीज। एक एक मूवी में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और ये क्यों बना रहे हैं मनोरंजन, मनोरंजन के लिए इतनी जरूरत है लोगों की कि करोड़ों की मात्रा में लोग हम पैसे खर्च कर रहे हैं, पर केवल लोग के देखते मनोरंजन के लिए नहीं होते, उसके साथ साथ क्या होता है खास करके अभी भारत की टीम में तो भारत के साथ एक हमारी आत्मीयता होती है, राष्ट्रत्व होता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था जब क्रिकेट वर्ल्ड कप चालू हो गया था तभी तभी ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी वो कुछ साल पहले तक तो क्या बहुत ही ऑस्ट्रेलियन लोग जो है वो बहुत लेटबैक है, लेट बैक मतलब आराम से जीवन जीते, पर उनकी जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है वो ऐसे नहीं है, वो पूरा स्लेजिंग करती है, पूरा आक्रमण बहुत ज्यादा आक्रमण करती है। पर ऑस्ट्रेलियन टीम जो है उसमें भी यद्यपि वो ऐसे है उनमें से अलग अलग लोगों के अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग सुपरस्टिशन होते हैं, अंधश्रद्धा होती है। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का बड़ा बैट्समैन था, वो जब भी बैटिंग करने आता था तो वो बैटिंग करने को जाने के पहले सबसे पहले पवेलियन के वो जो रेस्ट रूम होते हैं वो क्या, आपको पता है रेस्ट रूम क्या है? मैं कनाडा गया था, वहां पे भारतीय विद्यार्थी आया था, मेरा लेक्चर था चित्रवाद में, वो कोई ऐसे छोटे से गाँव से आया था, तो वहाँ पर भी कैनडा में बस आया था, बस बोलते आई वॉन्ट टू गो टू द रेस्ट रूम, उस मेरे को देखा तो देना रूम टू रेस्ट हियर, रेस्ट रूम मतलब क्या, उसको बोला रेस्ट करने के लिए रूम चाहिए आपको, ये क्या आप रेस्ट कर सकते हो तो समझा ही नहीं। पर ये रेस्ट रूम जो है वो क्या कहता था बैटिंग करके खुला है, लेकिन वो रेस्ट रूम आता और वहाँ पर जो भी कमोड है वो कमोड के जो लिड होता है टक्कर का बंद कर, और अगर बैटिंग करने में कोई जल्दी आउट है अच्छा बैट चलता है जल्दी आउट नहीं होगा तो पहले वो पवेलियन में आता वो रेस्ट में आता, और कोई भी कमोड खुला होता कमोड का टक्कर खुला होता तो फिर अपने बाकी टीम में जाके डांटता था नहीं खुला क्यों उसी कारण आउट हो गया। अभी वो कमोड खुल का ढक्कन खुला होने से उसके आउटर से कुछ संबंध है ही नहीं, पर ऐसे क्यों विचार कर रहे हो? जैसे ऑस्ट्रेलिया को उदाहरण से लेके ऑस्ट्रेलिया की टीम थी 17 साल पहले वो बहुत ही टफ टीम बन जाती थी, सब प्लेयर्स बड़े रफ एंड टफ एग्रेसिव थे, उनका कैप्टन था वो हमेशा अपने पॉकेट में एक रुमाल और आधा अंदर आधा बाहर और बहुत अच्छा फील्डर था, पर कभी कैच ड्रॉप कर देता था पहले बॉल क्यों देखने वाले रुमाल क्यों देते रुमाल के कैच ड्रॉप किया, तभी ये जो लोग ऐसे अंधश्रद्धा क्यों है उसको, तो क्या है ये अंधश्रद्धा नहीं है वास्तव में,
इतने से अंदर चलता है पर इसके पीछे कुछ कारण है. क्या है कि हमारे सबके जीवन में कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में है और कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में है. तो स्पोर्ट्स में भी परफॉर्मेंस मैटर्स बट परफॉर्मेंस इज नॉट ऑल दैट मैटर्स. आप कितना भी अच्छा खेलो अगर मैच के समय पारी आ गया तो फिर आपके अच्छे खेलने से कुछ नहीं होने वाला है. मैं ऑस्ट्रेलिया में था तभी मेरा एक मित्र लंदन में भक्त है. उनका एक मित्र था जो भक्त नहीं था वो भारत से आया था. वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला था उससे पहले वो आया था तो मैच देखने के लिए. पर क्या मालूम अभी बारिश का भय था तो ना मतलब एक कई मैच में तीन मैच स्ट्राइक आउट हो गए थे बारिश के कारण. और अभी उस समय ये भारत पाकिस्तान के मैच के लिए उसने जो टिकट खरीदा था वो 2000 pounds का टिकट था. 2000 pounds मतलब लगभग 2 lakh rupees एक मैच के लिए 2 lakh rupees का टिकट खरीदा. और फिर क्या हो गया था वो ICC का पॉलिसी है कि अगर कोई मैच वाइप आउट हो गया बारिश से तो वो टिकट का पैसा वापस आ गया. एक भी अगर बॉल बोल एक भी बॉल बोल हुआ तो फिर बस एक ही पैसा नहीं दिया. पर बिल्कुल एक भी बॉल बॉल नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ सारा पैसा वापस आ गया. पर क्या हुआ जो जिसने वो टिकट खरीदा है उसको उसी दर पर उतना ही उसको पैसा दिया. पर इसमें ये टिकट तो ब्लैक में खरीदा है तो फिर कुछ भी मिल जाना नहीं था. तो इसलिए स्पोर्ट्स में भी भले ही प्लेयर्स को अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ता है अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है. परफॉर्मेंस मैटर्स बट परफॉर्मेंस इज नॉट ऑल दैट मैटर्स. परफॉर्मेंस से परे भी कोई चीज है जो भी महत्वपूर्ण होती है. अब वो क्या है वो एक तरह से कह सकते हैं वो है वो जो भी है उसको अलग अलग प्लेयर अलग अलग पद्धति से सांत्वना करने का प्रयास करते हैं उसको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं. तो कोई ऐसे वो कमोड़ का लिड बंद करने का प्रयास करता है. कोई कर्चे रखता है. कोई बैट्समैन है वो जब वो पवेलियन में आते हैं जो फील्ड में आते हैं सबसे पहले वो जो बाउंड्री लाइन के ऊपर आगे अपना राइट पैर आगे लेफ्ट पैर आगे नहीं है. कोई आएगा सबसे पहले वो पवेलियन को पिच पे आने के पहले ऊपर सूर्यदेव की ओर देखेगा आशीर्वाद दो. तो अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग तरह से जो अननोन है जो अनकंट्रोलेबल है जिसको हम जानते नहीं जिस पर नियंत्रण नहीं है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करें. तो एक तरह से जो हम स्पोर्ट्स में देखते हैं वह वास्तव में हमारे जीवन में करते हैं कि इज लाइफ लाइक अ गेम. यस इट इज. कि जीवन भी एक क्रिकेट गेम की मां क्या है. हमारे जीवन में भी कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है. तो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है वो क्या है वास्तव में. अभी जो क्रिकेटर लोग हैं पता नहीं एग्जैक्टली क्या है पर वो जो दूसरी चीजें जो मैं नियंत्रण में हूँ उसको मैं नियंत्रित कैसे कर सकता हूँ. उसको नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ तो कम से कम उसको संतुष्ट कैसे कर सकता हूँ जिसके द्वारा जो मेरी इच्छा है उसे का कार्य मेरे कार्य में कुछ व्यत्यय आए. तो हम सब जीवन जी रहे होते तो हम सबके जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है. और कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे तौर से पूरा प्रयास कर लेते हैं पर फिर भी अगर हमारी क्षमता हमारी शक्ति के परे कोई चीज ऐसी आ जाती है जिससे हमको यश नहीं मिलता है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए. आपके बैट्समैन कितना अच्छा प्रयास किया है तैयारी की है कितने अच्छे फॉर्म में है पर अगर बारिश आ गई तो कुछ नहीं कर सकते. तो हमें हमारे आज अगर हम देखते हैं
आजकल बहुत से लोगों को डिप्रेशन होता है, वो डिप्रेशन के अलग कारण हो सकते हैं, पर एक कारण यह होता है उसमें कि जो हमारे मन के अनुसार नहीं हो रहा है उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। इसने ऐसे क्यों किया, मुझे इतने मार्क्स क्यों नहीं मिले, मैंने ऐसे किया वो समय फल क्यों नहीं मिला। तो कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब भगवद्गीता में बताते हैं हम लोग कि सुख को दुखे समय जो आपके नियंत्रण नहीं है जब तक आपको यश मिले तब आपको अपयश मिले। जो अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं न केवल वो अच्छा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं पर वो जानते हैं कितना भी अच्छा मैं खेलूं कभी मैं जीतूंगा कभी मैं हारूंगा, उसके बावजूद वो खेलते हैं। स्वाभाविक है कि जीतेंगे तो सुखी होंगे, हारेंगे तो दुखी होंगे, पर उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। जो अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं जानते हैं कि द स्पोर्ट द गेम इज बिगर देन विनिंग और लूजिंग द गेम। जो क्रिकेट है वो खेलना जी हार ज्यादा महत्वपूर्ण है, हार जीतना तो चाहते हैं, हारना को नहीं आता है, पर क्रिकेट खेलना और महत्वपूर्ण है, आज हार भी है तो कल जीत सकते हैं। तो उस तरह से हमारे जीवन में यश आएगा अपयश आएगा। हमें समझना है कि कभी कभी मेरी क्षमता के परे ऐसी परिस्थितियां आ जाएगी जिससे मुझे इसके कारण मुझे यश नहीं मिलेगा, और अगर वैसे हो गया तो मुझे हताश नहीं होना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। तो चार चीजें आज के क्रिकेट से हम चार चीजें सीक्रेट पे उसमें चर्चा करेंगे। तो ये पहला चीज था जैसे क्रिकेट में भी अपने पर्यावरण के परे कुछ होते हैं जिसे जिसे फल मिलने होता है तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से कभी हम जीवन में यश अपयश में तो स्वीकार करना चाहिए। तो इससे किसी तरह हर चार पॉइंट से हर पॉइंट के बाद में थोड़ा विराम लेके पॉज लेके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी कोई सवाल है अब तक? दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, सम पीपल आर वाइज एंड सम आर अदरवाइज। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं और कुछ उसके विपरीत होते हैं। उसके विपरीत क्या है? उसके विपरीत कौन है? आदर बुद्धि जो ऐसे लोग होते हैं, लोग होते हैं। तो अभी जब जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स खेलते हैं तो कभी क्या होता है, कोई कुछ ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं बहुत इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव होते मतलब क्या है कि अभी आपकी टीम का मैच अच्छा चल रहा है पर एक एक रन खेलते जीत सकते हैं, पर क्या होता है कभी और मैं दुनिया को दिखाओ मैं छक्का मार सकता और छक्का मार जाता है और आउट होते हैं। तो क्या होता है, इसको कहते हैं Play for the team, not for the gallery. Play for the gallery मतलब क्या कि gallery सब लोग बैठे हुए देख रहे वो वाह वाह कर रहे हैं, अरे आपने कितना अच्छा खेल पाया, पर वही लोग क्या है अगर आप आउट हो जाएंगे तो कुर्सी है। तो स्पोर्ट्स में क्या लगता है व्यक्ति को, एक सेल्फ कंट्रोल लगता है। अभी कोई भी क्रिकेट बार प्ले करता है तो चाहता है बहुत अच्छा खेलो और सब मेरी वाह वाह करे, सब मेरा गुणगान करे, कोई स्वाभाविक हेल्प ले चाहता है। पर कभी अगर वो एक इरेस्पॉन्सिबल शॉट खेल देता है, क्राउड जाता है, तो फिर क्या होता है, कोई उसको उसकी सराहना करे, सब उसकी निंदा करे। और कई बार ऐसा होता है कि कोई मैच जीत रहा होता है और एक बुरा शॉट खेल लेता है कोई, उसे जीती हुई बाजी तो उसको क्या कहते हैं, इंपल्स कंट्रोल। हम सब में इंपल्स रहते हैं, तो क्रिकेट में भी, क्रिकेट एक खेल है पर खेल में भी किसी बच्चे ने खेलना है तो उसको क्या चाहिए, इंपल्स कंट्रोल।
मुझे अभी एक जबरदस्त शब्द आपको देखना है परिस्थिति क्या है उसके ऊपर, तो उससे भी क्या है अगर मैं ये शॉट मारूंगा तो मुझे इतना अच्छा सब लोग वाहवा करेंगे, पर मैं एक एकदम खुले खेलूंगा तो बिना किसी रिस्क के हम जीत जाएंगे। तो एक छक्का मारना महत्वपूर्ण है या जीतना महत्वपूर्ण है? कौन सा महत्वपूर्ण है? जीतना महत्वपूर्ण है। तो ये है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जो तुरंत मुझे प्राप्त हो सकता है या मुझे धीरे धीरे कुछ प्राप्त हो सकता है। और यह जो बहस है यह वास्तव में कोई भी प्लेयर उसको बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या है एक चीज है टैलेंट और दूसरा है टेम्परमेंट। टैलेंट मतलब प्रतिभा, तो किसी में बहुत टैलेंट है बहुत अच्छी लड़की कर लेता है, पर जो किसी भी क्षेत्र में यश प्राप्त करता है वो केवल टैलेंट से नहीं होता है। इसको एक इक्वेशन बोल सकते हैं टैलेंट प्लस टेम्परामेंट लीड्स अचीवमेंट। अचीवमेंट हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल टैलेंट से नहीं होता है, उसके लिए क्या लगता है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब एक शांत अच्छी तरह से सोच विचार कर कार्य कर, वो टेम्परामेंट नहीं है तो टैलेंट होता है। कभी कभी एक दो बार अचीवमेंट मिल जाता है पर ज्यादा कुछ अचीवमेंट ज्यादा कुछ प्राप्ति नहीं कर पाता है, ऐसे लोगों के मेरे बाद में कि वेस्टेड टैलेंट। जो व्यक्ति था बहुत टैलेंट था पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। और ऐसे हर एक देश के हर एक देश में इतिहास में देखिए कई ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड थे, और जब वो 15-16 साल के थे तो ऐसे लगा था कि वो जो है अभी उनका वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर बन जाएंगे, पर 20-22-25 साल के हो जाते हैं तो फिर वो प्राय हो जाते हैं, उनको टेम्परामेंट नहीं है। तो अभी क्या है कि हम सब में कितना टैलेंट है वह हम बदल नहीं सकते। अभी बचपन से कोई जन्म से कुछ टैलेंट मिल गया है उसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, पर वो टैलेंट को हम ज्यादा बदल नहीं सकते, जो है वो है। पर हम क्या बदल सकते हैं, किस चीज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं? हमारे टेम्परामेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर किसी पास बहुत टैलेंट है तो काम में शामिल होती है, पर कई ऐसे प्लेयर होते हैं जिनका टैलेंट ज्यादा नहीं होता है पर टेम्परामेंट बहुत अच्छा होता है, शांति से सोच विचार करते हैं। अरे ऐसे खेलते हैं ऐसे रखते होते हैं तो वो कोई बहुत बड़ा शानदार चीज नहीं कर पाएंगे पर वो जिम्मेदार चीज कर पाएंगे। तो कोई जिसका टैलेंट है वो शानदार कार्य कर सकता है, शानदार कार्य करना सबको अच्छा लगता है, पर सब में वो टैलेंट नहीं होता है शानदार कार्य कर सकता, पर जिम्मेदार कार्य हर कोई कर सकता है। और कई ऐसे प्लेयर होते हैं वो एक मैच में जबरदस्त खेलेंगे और फिर अगले 15 मैच कुछ खेल नहीं पाएंगे और फिर वो सारा टीम सारे प्रेक्षक सारे फैंस चाहते हैं कि कब खेले कब खेले कब खेले, फिर क्या है सब वो अगर उनको इम्पल्स कंट्रोल नहीं है तो अभी अच्छे फॉर्म में लगते एक एक मुर्गे से शॉट कर दिया सब कुछ बदल जाता है। तो हम सब चाहते हैं कि अचीवमेंट कर पाए। तो एक प्लेयर थे जिसको द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा था, कौन था वो? तेंदुलकर। तो जब तेंदुलकर जिसको क्रिकेट कोई कॉलेज लेवल या क्लब लेवल पे खेल रहे थे या महाराष्ट्र रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे अनदर क्रिकेटर, वो उन दोनों ने मिलकर लगभग बहुत बड़ा 600-700 रन का पार्टनरशिप मिल गया, दोनों बड़े स्टार बन जाने वाले। किसी को नाम पता है? हाँ यस नॉट कॉमन ही बिकेम अ क्रिश्चियन आफ्टरवर्ड्स। तो ऐसे लगा था कि दोनों विल टेक इंडियन क्रिकेट बाय स्टॉर्म, भविष्य में दोनों हमारे देश का जो बहुत अच्छा बैट्समैन बन जाएंगे। तो क्या हुआ विनोद कांबळी भी आई थिंक कुछ समय तक खेले इंडिया के लिए,
बट वो जितना टैलेंट था उतना शाइन नहीं कर पाया, दोनों में टैलेंट था। और कुछ कुछ लोग कमेंट में बोला कि कामड़े में तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंट है, पर क्या था टेम्परामेंटल। अगर कोई टेम्परामेंटल है तो टैलेंट जो है वो चलता नहीं है। पर कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, हम देखते हैं कि अरे इसके पास सबसे ज्यादा टैलेंट है। अभी कुछ कुछ ऐसे होते हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं वो एक दो बार पढ़ लेते से याद रहते हैं, जैसे जब पाँच छः बार पढ़ना पड़ता है, दस बार पढ़ते फिर भी याद नहीं रहता। अभी ये टैलेंट किसी के पास है तो है, और अगर हम ये इच्छा करते हैं सिंह का टैलेंट है, दस टैलेंट नहीं है, फिर उसको हम बदल नहीं सकते। और कई बार हम टैलेंट पर जाते हैं, मेरे पास टैलेंट है या नहीं है, और उससे हम सोचते हैं कि मेरा अभी जीवन यशस्वी हुआ है या फिर यशस्वी नहीं हुआ है। पर टैलेंट को भले ही हम बदल नहीं सकते, पर टैलेंट से ही अचीवमेंट नहीं मिलता है, टेम्परामेंट से बनता है। टेम्परामेंट से बनता है मतलब क्या है कि हम कितना परिपक्वता से आते हैं, कितना हम शांतता से विचार करके काम करते हैं। मम्मी में मेरे एक मित्र है, वो क्रिकेट कोच है, तो बता रहे थे कि जब वो दूसरे बार होते हैं टैलेंट स्काउट होते हैं कि कौन अच्छा बैट, कौन अच्छा प्लेयर है, कौन अच्छी बैटिंग करता है, कौन अच्छा खेलता है, वो टैलेंट स्काउट को देखते हैं। तो जैसे कि मैं वास्तव में हम टैलेंट स्काउट नहीं करते, टैलेंट स्काउट और टेम्परामेंट स्काउट करते हैं, देखते हैं इसके पास कितना टेम्परामेंट है। और जो टेम्परामेंट है उसका हम विकास सब कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं हमारे टेम्परामेंट का विकास, जब हम यह समझते हैं कि जब इतना हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है उतना हम टेम्परामेंट को बढ़ा सकते हैं। तो क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान ने बताता है कि जिंदगी बहुत बड़ी है। मानिए दो दृष्टि हो सकते हैं कि जिंदगी एक 100 मीटर के एथलेटिक स्प्रिंट के समान है, 100 मीटर आप दौड़ो, एक सिटी बजती है, 2-3 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है, 5-10 सेकंड में जो भी है। और मान लीजिए कोई 10 मीटर का मैराथन है, तभी हमारी जिंदगी कैसे है, एक स्प्रिंट है या मैराथन है, मैराथन क्या है। जब तो सोचते हैं कि स्प्रिंट के समय मेरी जिंदगी है, फिर ये एक चीज हो गया तो मेरा जीवन निश्चित हो गया, और ये चीज नहीं हुआ तो सारा जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसे नहीं, एक चीज यश नहीं हुआ तो इतना भी एक्साइटेड वो जो शांति से कार्य करते हैं, जो टेम्परामेंट होता है उससे व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। और ये जो हमारा जिंदगी बहुत बड़ी है और आध्यात्मिक दृष्टि से हम जब पढ़ते हैं, तो जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, जप करता है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुष्ठान करता है, तो जितना भी टैलेंट कम हो ज्यादा हो उनका टेम्परामेंट अच्छा हो जाता है। और लिटिल टैलेंट विद गुड टेम्परामेंट कैन अचीव मोर देन लॉट ऑफ टैलेंट विद लिटिल टेम्परामेंट। तो इसलिए क्या है, हम सब हमारा टेम्परामेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। और जिस हद तक हम ये कर पाएंगे उस हद तक हम हमारे जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट, इससे कोई सवाल है? जब भी अगर कोई क्रिकेट मैच, कोई अच्छा टीम, कोई अच्छी टीम एकदम बुरा खेलने लगते हैं, हारने लगते हैं, तो जो हारने लगते हैं तो लोग क्या कहते हैं, इसने ये क्या है, मैच फिक्स हो गया है। अभी मैच फिक्सिंग जब होता है तो अगर किसी को पता चलता है मैच फिक्सिंग हुआ तो लोगों को गुस्सा आता है। अभी मतलब मैच फिक्सिंग मतलब क्या हो रहा है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो उसमें क्या होता है, उसे कुछ नियम होते हैं, और जब वो नियमों के परे हो जाता है, जानबूझ के कोई ऐसे बॉल बोलेगा जिससे उसका छक्का मार दे, जानबूझ के वो कोई व्यक्ति आउट हो जाता है, तो क्या होता है, वो जिस तरह से खेलना चाहिए उस तरह से नहीं खेल जाता, तो फिर वो क्या है, वो खेल का भी आनंद लेते हैं।
तो खेल का आनंद लेने के लिए भी सबको रूल्स के अनुसार खेलना चाहिए। अगर कोई रूल्स के अनुसार नहीं खेलता है तो क्या होता है, तो फिर वो खेल में आनंद नहीं आता है। मान लीजिए कोई बैट्समैन है, वो चौके में छक्के मारते जा रहा है और बॉलर बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन मारते जा रहा है, तो बॉलर गुस्सा आता है और बॉलर यहाँ पिच पे आता है और यहाँ पर रुक के बॉल नहीं करता, यहाँ से भागते आता है, भागते आता है, बैट्समैन को बाजू पर रख लेता है और स्टंप उड़ा देता है। यहाँ पे बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉल मार देता है और बॉल ऊपर ही जाता है, विकेट कीपर आके कैच पकड़ता है, फिर बैट्समैन कैच पकड़ रहा है, फिर बैट करता है, विकेट कीपर को मार देता है। फिर क्या होगा अगर बैट्समैन बॉलर कीपर रूल्स नहीं चल रूल्स के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो उस स्पोर्ट्स में कोई मजा नहीं है। तो एक्चुअली रूल्स मेक द स्पोर्ट्स एंजॉयबल। साधारण तरीके से बोलते हैं नियम में चाहिए मुझे, नियम का पालन क्यों करें, पर नियम जो होते हैं वही खेल को आनंददायक बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग संशोधन किया है, ये कैसे है कि छोटे अभी जानवर भी कुछ खेल खेला करते हैं, छोटे चूहे होते हैं, मान लीजिए चूहे खेल रहे, अभी हम साधारणतः कहते हैं कि जंगलों में जो होता है माइट इज राइट होता है। माइट इज राइट मतलब क्या, जो शक्तिशाली है उसका राज्य चलेगा, पर हमेशा वैसे नहीं होता है। मान लीजिए लोग चूहे हैं और वो चूहे खेल रहे हैं, क्या खेलते हैं वो, मान लीजिए कुश्ती खेल रहे हैं, उनकी कुश्ती कमाल की कुश्ती रहती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर गिरता है, दूसरे को दबाने का प्रयास करता है, तो चूहे भी खेलते हैं बस। और मान लीजिए उसमें से एक चूहा उसे चूहे से बड़ा है, अभी 15-20% अगर वो बड़ा है तो फिर क्या, वो दोनों लड़ने वाले होंगे तो कौन जीतेगा, बड़ा वाला आसान से जीत जाएगा। पर क्या होता है एक दो बार जब बड़ा चूहा जीत जाता है तो उसके बाद में जब भी वो दोनों खेलने वाले होते हैं तो वो छोटे चूहे को बड़े चूहों को आमंत्रण करते हैं, खेलते हैं, और अगर बार 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 बड़ा चूहा जीतते रहता है तो फिर क्या छोटा चूहा बोलता है मैं खेलूंगा नहीं, छोटा को पता नहीं आता इसमें, तो फिर इसलिए क्या होता है, क्या बड़ा चूहा यद्यपि बड़ा है आसान जीत सकता है, वैज्ञानिकों ने संशोधन किया है कि लगभग खेलते समय 20-30% वो बड़ा चूहा जानबूझ के हार जाता है। क्यों हार जाता है, क्योंकि उसको क्या करना है, वो खेलते रहता है, सिर्फ जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, वो चाहता है कि मैं हमें खेलते रहे। तो अगर बड़ा चूहा से जीत जाता है, छोटे बच्चे जब होते हैं, बड़े बच्चे जब बड़े होते हैं तो क्या होता है, लगभग 2-3-4 उस साल में बच्चे सोशलाइज होते हैं। सोशलाइज मतलब कि मैं हूँ और मुझे दूसरों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना है वह समझते हैं। जब बिल्कुल छोटा नन्हा शिशु होता है तो क्या होता है, द बेबी इज ऑलवेज राइट, मतलब क्या है कि अगर वो छोटा शिशु है, रात को 12 बजे रात को 2 बजे रोने लगता है तो माँ उसे 2 बजे रोने का समय नहीं सोच बोल ऐसे नहीं बोलते, अरे रोने लग गया तो जा मुझे भूख लगी है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता है वो बोलता है 2 बजे भूख लगी है सो जा बात देखो, तो क्या है छोटा बच्चा बिल्कुल छोटा होता है ना बच्चा, तभी क्या होता है इट्स ऑलवेज राइट, क्योंकि वास्तव में कुछ समझ नहीं आता उसको, पूरा वो एक तरह से अपने शरीर के जैसे ही कुछ भूख प्यास है जो उसके साथ वो रोने लगता है, पर वो जो बच्चा होता है जो बड़ा होता है उसे सोशलाइज। अभी सोशलाइजिंग का मतलब क्या है, सोशलाइज करना लोगों से बातचीत करना होता है वो ठीक है, पर सोशलाइज करना मतलब दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करना है यह समझना। अभी आप सब यहाँ पे बैठे हो, आप सबको काफी हद तक ये विश्वास है
कि आपके बाजू में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो अचानक आपको मुड़ के आपको थप्पड़ मारने वाला नहीं है। अभी संभावना है कि मार सकता है, पर आप सब इतने सोशलाइज हो कि ऐसा कार्यक्रम नहीं करोगे। ज्यादा करता हूं मैं। यहां पे सोशलाइज होना मतलब क्या, एक तरह से कि सोसाइटी में किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए, ये समझना। तो ये अलग अलग जगह पर थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, पर हर सोसाइटी में सोशलाइज होना पड़ता है। तो अभी जो चूहे भी होते हैं वो जब खेल रहे हैं तो क्या होता है, छोटा चूहा अगर बार बार हर लोग खेलना है तो इसीलिए एक अनस्पोकन रूल जैसे होता है चूहों में भी, क्या कि मैं भले ही हमेशा जीत सकता हूँ पर मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं जीतूंगा बार बार फिर खेलूंगा। तो उससे क्या, छोटे बच्चे जो होते हैं बड़े होते हैं, हर बच्चे जब बच्चे भी खेलते तो जीतना चाहते हैं, पर अगर वो बहुत ज्यादा जैसे से करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, दूसरे को इंजोर कर देते हैं, घायल कर देते हैं, फिर से जीतते हैं, तो बाकी क्या होता है, बाकी बच्चे भी इससे नहीं खेलते। हाँ, और ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनसे कोई दूसरे बच्चे खेलना ही चाहते हैं, फिर वो बच्चे को खेलने का और लगभग 4-5 साल के बच्चे होते हैं, लगभग अगर तभी वो सोशलाइजेशन स्किल्स नहीं आ गए हैं तो फिर वो 15-16 साल के हो जाएंगे, तब तक वो उसको मीठे कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स, मतलब वो गलत कार्य चल जाएंगे, वो नशा करने लग गए, गुनाह भी करने लग जाएंगे और किसी को पीड़ित। तो क्या करते खेलने में उदाहरण तो दे रहा था, ये सब इसलिए करा था कि जब हम खेल रहे होते हर एक चीज में अच्छी तरह से कार्य करने के लिए कुछ नियम होते हैं, और जो वो नियमों का पालन करता है वो नियमों के पालन में ही आपको सक्षमता दिखानी है। बॉलर को यहीं से बॉल करना है, एक कदम पे आगे आ रहा है तो वो बॉल का नो बॉल बन जाता है, बोले बॉल है, बॉल वहां पे गया भी है फिर भी नो बॉल है। तो क्या है कि नियम का पालन करना बड़ा जरूरी होता है, और नियमों के नियम क्या करते हैं, हम एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक ऐसी रचना देते हैं जिसमें हम हमारी प्रतिभा दिखा सकते हैं। अगर नियम ही नहीं है तो फिर क्या होगा, जो भी ज्यादा ये कर सकता है, जो ज्यादा जोर दिखाता है वो अपना अपनी बात बता देगा, पर ऐसा होगा तो उसमें कोई मजा नहीं रहता। तो उसी तरह से हमारा जीवन होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमको कोई नियम नहीं है, हम जैसे चाहे वैसे पालन करेंगे, पर शास्त्र में हमें नियम दिए कि आप ये कार्य करो, ये कार्य मत करो, और ये नियम है इसलिए नहीं है कि हमें सुख से दूर रखना है, वास्तव में नियम हम जो है हमें अभी अच्छी अभी सुख देती है पर बाद में परेशान करते हैं, जब तक अग्रे अमृतों को परिणाम नहीं मिश्रे, कभी सुख दे रहे हैं अभी अमृत जैसे लगता है बाद में ये जो है जहर के समान लगेगा। तो ऐसी चीजों से भले अच्छा है तो दूर, ये दूर रहना जो है ये नियम है वास्तव में, उसके द्वारा व्यक्ति अच्छी तरह से सक्रिय रह सकता है। मैं भी कुछ साल न्यूजीलैंड में था तो मैं कभी कैसे आजकल के समाज में सारी रचनाएं जो है वो गिर रही है, तो क्या है डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। तो तभी मैं बताने वाला था कि वक्त में यहाँ पे सुन रहे थे एक्चुअली न्यूजीलैंड डाइवोर्स रेट नहीं बढ़ रहे। अच्छा क्यों, लेकिन मैरिज रेट गिर रहे हैं। वो लोग शादी भी करते हैं, तो अभी शादी भी करते हैं तो फिर परिवार साथ में नहीं होता है, तो जो बच्चे होते हैं बच्चों को कोई पालन करने वाला नहीं होता है, और जो होता है ऐसे पूरा जनरेशन जो अमेरिका में 1960 से ज़्यादा हो गया, उसको बोलते हैं सेक्शुअल रेवोल्यूशन। सेक्शुअल रेवोल्यूशन मतलब क्या है कि लोग
बिना किसी नियम से किसी का भी कभी पसंद करें। और तभी उनका ऐसे भाव था कि इससे जो पहले हमको धर्म ने नियंत्रित किया था, हमको सब कुछ कर देता, हमसे सब छुटकारा पाके हम भोग करेंगे, आजादी प्राप्त करेंगे सबका। पर जो 1960 का जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसको अगर हम 1980s 1990s 2010 में देखते हैं तो क्या होगा, वो ही लोग ऐसे हैं सच्चे डिप्रेस्ड। और उस अभी पीढ़ी अभी दुनिया में लोग परिवार बना के परिवार संतान आगे तो सदियों से बढ़ा रहे हैं। 1960s की जनरेशन के जो बच्चे हैं कि उनमें भी क्रिमिनैलिटी ड्रग एडिक्शन यह सब हो जाता है। तो क्या होता है जब लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उससे जीवन में जो आनंद प्राप्त करना है वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। क्या है, इट इज रूल्स दैट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। जो नियम होते हैं वह ऐसे रचना देते हैं जिसमें हम सुख की खोज कर सकते हैं। क्रिकेट में अगर नियम ही नहीं है तो कोई क्रिकेट में कोई अच्छा बैट्समैन अच्छा बॉलर दिखाए सब नियम के साथ खेलते तो नियम के साथ बॉल करता हूँ वो ऐसे बॉल करें वो इतना अच्छा बॉलिंग करते हैं मैं उसे क्या बॉलिंग करता हूँ। तो वी नीड रूल्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर अवर लाइफ। तो अगर नियम नहीं है तो फिर क्या होता है, हम खुद को पसंद होते हैं, बस चलते हैं। नियम नहीं है तो हमारे से जो रचना नहीं है, और अगर रचना नहीं है तो फिर हम इतने सारे पर्याय सामने आ जाते हैं उन्हें फंस जाते हैं। अभी मैं ये ऑस्ट्रेलिया था एक हफ्ते वो डॉक्टर है मुझे मैं रहता था मैं तो बताया था कि पाश्चात्य देशों के डॉक्टर होते हैं उनको बहुत भय होता है कि उनका पेशेंट के खिलाफ कोई केस कर देगा। और बोले कि अगर डॉक्टर भाग्यवान है तो उसको 3 साल में एक केस होता है अगर भाग्यवान है तो अगर दुर्भाग्य है तो 3 महीने में एक केस हो जाएगा और बहुत परेशानी होती है किस पर क्या है वो। तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें ये निर्माण जिंदगी पर सर्दी खांसी हो गई है ये थोड़ा तो अगर मुझे बुखार हो गए मुझे बीमारी हो गई तो कोई बीमारी होगी डॉक्टर पास जाता है। तो वो डॉक्टर पास जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, देखो तुमको उनको ये से तुमको खांसी है तुमको सर्दी है तुमको बुखार है कमजोरी है ये 4 सिम्टम 4 लक्षण होते हैं तो इसका मतलब ये बीमारी हो सकती है 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 तो इसकी ये दवाई ले सकते हैं ये दवाई दे सकते हैं ये दवाई ये बीमारी हो गई तो इसके ये दवाई दे सकते हैं सही परिणाम है सही परिणाम है ये दवाई दे सकते हैं ये दवाई दे सकते हैं। तो ऐसे 4 बीमारियां हो सकती है हर एक की 3-3 दवाई हो सकती है तो ये 12 ऑप्शन देते हैं। अभी आप जो क्या करना है अभी यहाँ पे डॉक्टर को ऑप्शन नहीं देना है डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन देना है। अरे डॉक्टर अगर पेशेंट को तुम तुम चुनो तो पहले पेशेंट का चुनेगा कैसे कि चॉइस डजंट जस्ट ब्रिंग फ्रीडम चॉइस आल्सो ब्रिंग वर्ल्ड। जब हमें चुनाव करने की क्षमता मिलती है तो उससे केवल आजादी नहीं आती है उससे बोझा भी आता है। कि जब हमारे पास आजादी होती है तो मतलब जो हम चुनते हैं उसकी जिम्मेदारी हम पर है, अगर गलत चुनते हैं तो उसका ऊर्जा हम पर है। तो इसलिए जब नियम होते हैं हमारे जीवन में तो कभी उसे लग सकता है कि अरे मेरे ऑप्शन कम हो रहे हैं, ये मतलब ऐसे ही कार्य करना है। पर फिर वो ऑप्शन के अंदर जब हम होते हैं तो फिर हम क्या होता है हमें ज्यादा बोझा नहीं होता। तो क्रिकेट भी खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने के लिए या जीवन खेलने के लिए हम सबको रूल्स बहुत जरूरी है। जितना हम रूल्स का पालन करते हैं उतना भले हमारे ऑप्शन नष्ट हो जाएंगे पर वो उसमें उस मार्ग में ऑप्शन के अंदर हम हमारा एक्सपर्टीज हमारा एक्सीलेंस दिखा सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था कि रूल्स आर नेसेसरी फॉर इन एवरी स्पोर्ट्स एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इसका सवाल है इसको
अगर हम यहाँ पाल करें घर में या हमारे फैक्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर कोई ट्रैफिक का रूल का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? तो भारतीय ट्रैफिक होगा। कई वक्त ऐसे कई लोग ऐसे, हाँ मैं कभी एक जनवरी में हम अमेरिका से लोग 25 लोगों ने देखते हो बिल्कुल वो इंडिया का पहुंचे अमेरिका और वो दिल्ली में आए एयरपोर्ट से बाहर निकल के और कार में जो ट्रैफिक देख रहे हैं हमने ऐसा ऐसा ड्राइविंग देखा ही कभी। कोई भी कैसे भी ड्राइविंग करता है गाड़ी चलती है। तो क्या है वहां पे अमेरिका में ड्राइव करते एक चीज है अगर 5-6 महीने में अमेरिका में रहता हूँ मैं साल में 8-10 महीने भारत से बाहर रहता हूँ तो जब 5-6 से भारत में आता हूँ जब ड्राइव करके जा रहा हूँ गोवा के तो एक चीज होता है कि यहाँ पे हमको 5-6 में कोई हॉर्न नहीं मिलता है कोई भी वो साउंड पोल्यूशन कर देते हैं आप ध्वनि को दूषित मत करो और जब कोई हॉर्न बजाता है उसका मतलब क्या है दूसरे व्यक्ति ने इतनी बड़ी गलती की है कि उनको हॉर्न बजाकर सुनना पड़ रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके और हॉर्न बजाता है तो उसने आपका अपमान किया है मुझे ड्राइविंग आता है तुम हॉर्न बजा रहे हो तो कोई हॉर्न नहीं बजाता है तो क्या है सब बहुत ही जो लोग कहते हैं उनको सारा फ्रीडम चाहिए हमको ये जैसे करना है ये कार्य करना है वैसे कार्य करना है वैसे कार्य करना है पर वह लोग भी वो रोड पे बिल्कुल नियम का कार्य करते और इतना अच्छा ड्राइविंग करते हैं कि हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है। पर भारत में न केवल हॉर्न बजाते हैं पर हर गाड़ी में लिखते हॉर्न प्लीज। मतलब क्या है तुम मुझे टक्कर मत दो पहले हॉर्न तो बजाओ मैं बाजू को। तो क्या है कि यहाँ पे भी ऑर्डर है पर ये क्या है बिजनेस अमेरिका में रोड पे ऑर्डर होता है इंडिया में रोड पे ऑर्डर इन डिसऑर्डर होता है। वो ऑर्डर है पर वो कैसा ऑर्डर है वो साधारण दूसरे समझ नहीं आता है सब लोग चलते हैं पर बात से नियम पालन नहीं करेंगे तो हम रोड पे चल नहीं पाएंगे। जस्ट एक चीज अपने भी बोला हॉर्न के बारे में तो आजकल नोटिस किया है कि रिसेंटली भी इंडिया में लिखने लगे हैं ट्रक्स या गाड़ियों में हॉर्न नॉट ओके प्लीज। अच्छा ओके दैट्स नाइस। मेरा प्रश्न ये था मुझे आपने बताया कि नियमों का पालन करने से ही हम वास्तव में सुख प्राप्त कर सकते हैं तो फिर हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नियमों का पालन नहीं करने की क्यों होती है? अगर नियम का पालन से तो सुख मिलता है तो स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारे नियमों का पालन न करना क्यों होती है? क्योंकि नियमों के पालन करने से सुख मिलता है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगता है और नियमों के पालन के बिना हमको लगता है कि सुख मिल जाएगा तो उसको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है उसको पढ़ाई करता है तो अभी पढ़ाई करने में मान लीजिए उसको अल्फाबेट सीखना है तो उसको अल्फाबेट चाहिए अक्षर से लिखते हैं अक्षर से लिखते समय लगता है। उसके बाद में उसको लगता है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है और फिर वो अपना नाम लिखता है और जब अच्छा तुम्हारा मेरा नाम ऐसे लिखते हैं बड़ा खुश होता है सबको जाता होता है पता है मेरा नाम ऐसे लिखते हैं और लिखता है तो उसमें जब वो सीख जाता है उसमें एक आनंद है पर वो सीखने के लिए उसको प्रयास वो आसान है। तो क्या है कि नियमों का अभी पढ़ाई करने में नियम लगता है हाथ ऐसा है ऐसे मत लिखा मुझे लिखना है तो ये ऐसे लिखना है ये ऐसे नहीं लिखना है तो नियम है तो नियमों से जो सुख मिलता है उसको थोड़ा सब्र लगता है उसको थोड़ा अनुशीलन लगता है उसको जाने के लिए तो पर उसके विपरीत ऐसा लगता है कुछ शॉर्टकट में सुख मिल जाएगा तो इसीलिए हम उसके बारे में प्रयास करते हैं पर ये जो सुख है वो खेलने खेलों में खेलने का जो है कितना वो
तुच्छ सुख ज्ञान शब्द कहता नहीं है, क्योंकि हम कई बार स्वतंत्र सुख देखते हैं, इसीलिए नियमों का पालन करने से हम थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो यह सवाल है किसी का? आखिरी पॉइंट में हमें सवाल है और सवाल है फिर उसे हम करें। तो जब कोई भी हम कोई भी अपने स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अभी दो प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं, एक है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स और दूसरा है टीम स्पोर्ट्स। तो कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में उदाहरण दे सकता है एथलेटिक्स, टेनिस, टेनिस में भी डबल होता है पर सिर्फ नॉर्मल टेनिस सिंगल होता है, टेबल्स हो सकता है, चेस हो सकता है, तो इसके लिए इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है। तो क्रिकेट क्या है? क्रिकेट क्या है? क्रिकेट फुटबॉल इसके लिए टीम स्पोर्ट्स है। तो अगर हम क्रिकेट की तुलना जीवन से कर रहे हैं तो हमारा जीवन क्या है, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है या टीम स्पोर्ट है? टीम स्पोर्ट है। कितने को लगता है टीम स्पोर्ट है? कितने को लगता है कि इंडिविजुअल स्पोर्ट है? हाँ, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट कैसे हैं कि हर एक को अपना अपना परफॉर्मेंस है, पर हम सबको ये परफॉर्मेंस करना है वो दूसरे लोगों के साथ करना है। कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन इज एन आइलैंड। कई एक बार एक नास्तिक था, बड़ा विचार एक तरह से तत्व ज्ञान था, तो उसको पूछा गया कि आप नर्क में विश्वास करते हैं? क्या दूसरे लोग, तो क्या हो रहा है, जो लोग दूसरे से अच्छा संबंध नहीं रख सकते हैं, दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, तो क्या होता है दूसरे लोग नरक के समान है। मैं एक प्रोग्राम पे जा रहा था तो वहाँ पे मिस्टर पक मिल गया था, उसके आगे दूसरा एक कार था, उससे एक बम्पर का एक स्टिकर था, कहते द मोर आई गेट टू नो पीपल द मोर आई लव माई डॉग। जितना मैं लोगों को जानता हूँ उतना मुझे अपना कुत्ता और प्रिय लगने लगता है। मतलब क्या है, लोग इतने बुरे हैं, मेरा कुत्ता इतना अच्छा है। क्या होता है, कई बार लोगों को संबंध रखना बड़ा मुश्किल होता है, और हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब संबंध जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरे संबंध रहते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट उसको कहते हैं इंग्लिश में। पर क्या है कि जीवन में हमको यश चाहिए, पर हमें ऐसा यश चाहिए कि दूसरों को भी हम साथ दे सकें। मान लीजिए कि अगर आपको दुनिया की सारी संपत्ति मिल जाए पर दुनिया में आप अकेले ही हो और कोई भी ना, तो संपत्ति करेंगे क्या आप? We want to enjoy things, but we want to enjoy things with people. कई बार क्या होता है, जो लोग टीम प्लेयर नहीं होते, अभी टीम प्लेयर किस तरह से खेल प्ले करना है वो अलग अलग तरह से डिसाइड करेंगे, पर हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, और अगर कोई टीम स्पोर्ट्स में बहुत इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, मतलब बीम जीते आ जीते मैं सेंचुरी करने वाला, तो क्या हो जाएगी, आपकी सेंचुरी हो जाएगी पर अगर सारा टीम आपसे नाराज हो जाए, सारा देश आपसे नाराज हो जाए, तो क्या है कि जो हमको इनमें टीम स्पिरिट होता है, मतलब क्या हर प्लेयर अच्छा खेलने जाता है, और जब बीम के लिए खेलता है वैसे जो टीम होती है वो टीम बड़ी अच्छी से होती है और प्लेयर्स उसके बाद अच्छे से होते हैं। तो हमारे जीवन में भी क्या है कि हम सब इंडिविजुअल हैं, तो जो जो एक तरह से कह देते आधुनिक संस्कृति है और एंशियंट इज प्राचीन संस्कृति है, ये भारत और कभी कभी हम पूछ सकते हैं भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति, पर पाश्चात्य संस्कृति भी ऐसे नहीं है कि सब भौतिकवादी या बुरी है। पाश्चात्य देशों की प्राचीन संस्कृति जो थी वो काफी आध्यात्मिक, दूसरे में तुलना ये भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति नहीं करता हूँ, आधुनिक संस्कृति और प्राचीन संस्कृति। तो प्राचीन संस्कृति जो थी
वो अधिक टीम सेंटर्ड है, वो टीम हो सकती है, फैमिली हो सकती है, आपका गांव हो सकता है, आपका राज्य हो सकता है, पर आजकल की जो संस्कृति है वो क्या है, वो बहुत इंडिविजुअलिस्ट है। इंडिविजुअलिस्ट मतलब मैं आजकल के समाज के लोग सब लोग जो है वो क्या है, वो आई स्पेशलिस्ट है, और ये आई स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको कोई मेडिकल कॉलेज जाना नहीं पड़ता, क्या है वो आई स्पेशलिस्ट नहीं है, आई स्पेशलिस्ट, आई होस आई वुड बी, आई स्पेशलिस्ट है। और ये वैसे होता है तो क्या होता है, तो अगर बहुत लोग जैसे कोई क्रिकेट में कोई खुद के लिए खेलने लगता है तो वो टीम में अच्छे से काम नहीं करते, वो भी उसका अच्छा नहीं रहता है। जो लोग बहुत आई स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, खुद के बारे में ख्याल रखते हैं, तो वो कुछ भी काम नहीं करते। मैं जब कॉलेज में अमेरिका के कॉलेज लेक्चर दे रहा था तो वहाँ पे मैं एक सीरीज ऑफ लेक्चर दे रहा था, 5-6 लेक्चर वहाँ पे ओवरकम नेगेटिव इमोशंस पे, क्योंकि कोई विद्यार्थी बार-बार हर लेक्चर के आ रहे थे तो उसे थोड़े मैथिली हुई। तो फिर एक साधारण हम भारत में से मिलते हैं तो हम ओके आप कहाँ से हो, आप माता पिता कह सकते हैं, हम साधारण सवाल पूछते हैं। पर बाद में भक्त ने बताया कि आप अमेरिका में इससे पूछो मत कि आप माता पिता कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक टच इज अ सॉर स्पॉट है, किसी बच्चे होते हैं उनकी माता पिता सेपरेट हो चुके हैं, किसी के दो माता और तीन पिता है तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। तो क्या हुआ, तो मैं एक विद्यार्थी से मिला, बाद में कोई प्रसन्न हो गया, तो फिर वो बताया था कि मैं आई ग्रू अप इन फॉस्टर होम। फॉस्टर होम मतलब क्या है, सही में शब्द का अनाथालय ऑर्फनेज। तो फॉस्टर होम मतलब क्या है कि कोई उसको अपना लगे बच्चे, और वो और फिर कभी बोल देता है उसको एडॉप्शन के लिए। तो फॉस्टर होम मतलब थोड़ा एडॉप्शन होता है कि ऐसे कोई एक परिवार होता है वो उनको अगर कोई सरकार बड़ा घर देते हैं, बड़ा घर है तो वो कुछ बच्चों को अपना लेते हैं, और हमेशा के लिए अपना लेकर समझ सकता है कभी या कभी कुछ समय के लिए उनको संभालते हैं, पर वो अनाथालय से बेहतर नहीं होता। तो विद्यार्थी ये विद्यार्थी ने बताया कि मैं फॉस्टर होम में बड़ा हुआ। तो फिर मैंने पूछा तो क्या होगा, माता पिता दोनों जीवित है। अच्छा, तो फिर आप माता ने आप फॉस्टर में भी बड़े हुए, बोले मैं 5 साल का था तभी मेरा माता पिता का सेपरेट हो गया। अभी वो ये डायवोर्स शब्द है, ये बड़ा क्रूर शब्द है, बोलते मैं मदर फादर का सेपरेट साथ के अलग हो गए। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी और तुम हमको उस गलती की याद दिलाते हो, इसीलिए माता और पिता दोनों ने कहा कि वी डोंट वांट एनीथिंग टू डू, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, हम तुमसे कुछ ज्यादा नहीं करना चाहते, ज्ञान देना ही नहीं चाहते। तो दोनों माता पिता होते हुए ये बच्चा क्या हो गया, तो कोई अपने बच्चे का कैसे कर सकता है। पर ये क्या है, इतना लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, इतना इंडिविजुअलिस्ट हो जाते हैं कि खुद से बढ़कर कुछ विचार ही नहीं कर पाते। अभी वैसे हो जाता है तो व्यक्ति समाज का जो फाउंडेशन वो भी नहीं होता, जो सेल्फ सेंटर्डनेस है वो बहुत बढ़ जाता है। और इसके कारण कोई भी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होता है, वो माता पिता बच्चों का हो या पति पत्नी का हो या भाई बहन का हो, कोई भी रिलेशनशिप से नहीं होता। तो हमारा जीवन जो है कि टीम स्पोर्ट्स है, और टीम स्पोर्ट मतलब हमें खुद को एक्सेल करना है, अच्छा हम खुद को अच्छा यश प्राप्त करना है, पर हमको दूसरों को साथ लेकर आना है।
अगर हम सिर्फ अकेले बढ़ेंगे तो कई लोग ऐसे होते हैं वो बहुत यशस्वी हो जाते हैं, बहुत धन संपन्न हो जाते हैं, पर उनको धन प्राप्त होता है और बड़ा घर होता है। कई बार ऐसे लोग घर में गया हुए क्योंकि कभी कभी उनको काउंसलिंग वगैरह चाहिए होता है, तो फिर उसको तो फिर बहुत ऑनेस्टली परिस्थिति बताते हैं। उनका बड़ा घर है पर बड़ा घर से बड़े घर से तो एक ही सुविधा मिलती है कि बहुत सी जगह मिलती है जिसमें वो अकेलेपन को महसूस कर सके। द लार्ज हाउस ओनली गिव्स देम द प्रिविलेज ऑफ अ लॉट ऑफ स्पेस इन विच टू फील लोनली, उसे और कुछ नहीं मिलता है। तो अगर हमको सबको यश चाहिए, हम सबको सुख चाहिए, प्राप्ति चाहिए, पर इफ वी परस्यू सक्सेस at the expense of our relationships, then it will be a hollow success. जैसे स्कूल में कोई कुत्ता ही शराब करता है तो सेंचुरी बार आता है, टीम हार जाती है, तो उसमें क्या सुख है? कुछ बड़ा सुख नहीं है उसमें, खोखला है। उस तरह से हम सबको ये शराब करना है, बल्कि हमारे संबंध है उसके साथ साथ चलना है। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण संबंध जो है, हमारे जीवन में अनेक संबंध होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होते हैं और एक वर्टिकल रिलेशनशिप होते हैं। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप जो है वो हमारे बाकी सब लोगों के साथ है, हमारे मित्र है, हमारे माता पिता है, हमारे रिश्तेदार हैं। जो वर्टिकल संबंध है वो हमारा संबंध है भगवान कृष्ण से। तो जो जो हमारे संबंध सब संबंध महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो है ये हमारे भगवान के संबंध, ये संबंध जो है ये शाश्वत संबंध। बाकी से संबंध कुछ समय तक रहेंगे फिर उन्हें रहेंगे, तो भगवान का संबंध जो है वो हमेशा तक रहेगा। जीव स्वरूप कृष्ण भगवान के संबंध संबंध है हमारा। तो जब हम संबंध को बरकरार रखते हैं, संबंध को अच्छे बनाते हैं, भगवान का तो संबंध जो है यह हमारे सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवद्गीता में जो अंत में बताया गया है, शुरुआत में अर्जुन अकेले बन जाते, क्या करो क्या करो कुछ नहीं आता है, पर अर्जुन और कृष्ण जुड़ जाते हैं। और भगवद्गीता का अंत क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धर्मः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानी तिर्मति मम। जहाँ पे भगवान कृष्ण योगेश्वर है और जो अर्जुन है वो धनुष है, वो दोनों साथ में आ गए हैं, वहां पे यश की प्राप्ति जरूर होगी। तो हमारा जो सबसे बड़ा टीम जो है वो आत्मा और परमात्मा का टीम है। हम सबके हृदय में भगवान है। जैसे अर्जुन एक रणभूमि पे युद्ध कर रहे थे, हम सबका जीवन जो है हमें भी अलग युद्ध करने पड़ते हैं, जीवन ही रणभूमि पे हमारा शारीरिक युद्ध हमको अधिकांश युद्ध नहीं करना पड़ता है, पर फिर भी बौद्धिक स्तर पर होता है, भावनात्मक स्तर पर आक्रमण होता है, कभी कभी हमें जीव संघर्ष करना होता है। पर जब हम भगवान के साथ रहते हैं तो भगवान का जो सामर्थ्य है, भगवान की महान असीम शक्ति उसकी मूर्ति है, वह हमारे साथ रहती है, और फिर जो भी समस्या आएगी वो उसका सामना कर सकते हैं। लाइफ इज अ टीम स्पोर्ट एंड द टीम इज नॉट जस्ट द पीपल अराउंड अस, द टीम इज अल्टीमेटली वी टीम विद गॉड। और भगवान का पद रहेंगे मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादं करिष्यसि। भगवान का क्या कहते हैं, जो भी समस्या आएगी आप मेरी चिंता में रहोगे, आप मेरे साथ सेवा भाव के संबंध में रहोगे, तो आप उस समस्या के परिचय सकते हैं। सारी चर्चा की किस तरह से हम क्रिकेट से कुछ सीख सकते हैं, तो चार चीजें हमने देखी कैसे। सबसे पहले परफॉर्मेंस मैटर्स, परफॉर्मेंस इज नॉट ऑल दैट मैटर्स, कि हम क्रिकेट मैच मनोरंजन चाहते हैं, क्यों मनोरंजन चाहते हैं, क्योंकि जो है जीवन जो होता है वो बोरिंग हो जाता है, पर जो मनोरंजन के साथ साथ हम उससे कुछ और सीख भी सकते हैं। और क्या सीख सकते हैं कि क्रिकेटर का सुपरस्टिशन क्यों होता है, क्योंकि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो कभी कभी हमारा प्रयास पूरा करने के बावजूद हमें यश प्राप्त नहीं होता है, तो फिर हमें उसको सुधार करना है। जीव जो अच्छे क्रिकेटर होते हैं वो चाहते हैं यश,
जीत चाहते हैं, पर वो क्या मानते हैं कि the game of cricket is bigger than any cosmos. So जीवन ये यश और अपयश से बड़ा है. हम जीवन पे जोर लगे तो हम यश और अपयश दोनों को साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं. दूसरी चीज हमने देखी कैसे कि जब हम हमारे जीवन में कार्य करते हैं तब हम सबको तीसरा मानना नियम होना चाहिए. हमारे पास नियम अगर नहीं रहते हैं तो फिर कुछ क्रिकेट के साथ गेम भी हम खेल सकते हैं, क्योंकि क्या है उसमें फिर प्रतिभा देने का कोई मौका नहीं मिलता है. तो रूल्स एंड स्ट्रक्चर दूसरा पॉइंट देखा जाता है. हम क्रिकेट में अगर अचीवमेंट प्राप्त करना है दो चीजें टैलेंट और टेम्परामेंट. तो हम टैलेंट को बढ़ा नहीं सकते हमारे जो हमको यदि सीखने मिल गई पर हम सब अपने टेम्परामेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं. और खास करके हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमको दूर दृष्टि आ जाती है. फिर दूर दृष्टि से हम छोटी वजह से इतना नहीं होते. जो टेम्परामेंट मतलब क्या इम्पल्स कंट्रोल कि मेरे से दिखावे के लिए खेलना नहीं है कैटरी के लिए नहीं खेलना है. तो वैसे अगर हम इम्पल्स कंट्रोल कर लेंगे तो हम जो भी हमारा टैलेंट है उसको पूरा यूज कर सकते हैं कि हमारा टेम्परामेंट सेव हो जाएगा. और आपके पॉइंट में देखा कि जीवन जो है ये टीम स्पोर्ट है, इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है. तो हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं पर हमारे रिश्तों को हम कुछ के आगे नहीं बढ़ना है. हम सब को साथ मिलकर बढ़ना है. सबसे महत्वपूर्ण जो रिश्ता है वो हमारा भगवान के साथ रिश्ता है. और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं तो जो भी समस्या रहेगी भगवान की कृपा से हम के सामने जाकर जैसे अर्जुन और कृष्ण साथ में थे तो यशस्वी हो गए वो, हम भी यशस्वी हो सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. Yes, the last point which you quoted that in the playing game of cricket, if some player scores a century and if the team loses, it's of no use. But in the third or second point you quoted that life is not a sprint race, it is a marathon. So similarly, there is a series of games, a series of cricket matches, ODI is there. Similarly compared to life. So if one player scores a century in the match, even if the match loses, he fixes his position in the next match because there is an individual. So in the similar way, by taking the decisions in the life, many a times there is a dilemma where we have to choose. Like the decision may be helpful for individual or maybe sometimes helpful for the team. So how should we tackle the situation and take the sustainable offer the system? कभी कोई टीम हार जाती है पर प्लेयर स्किल कर लेता है तो कम से कम उस प्लेयर का तो अगले मैच में हर जगह फंस जाती है. तो वैसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो कहने का उद्देश्य था कि अगर प्लेयर आपके सेंचुरी के पीछे इतना पड़ जाता है कि उसी कारण टीम हार जाती है तो वो कुछ नहीं है. तो अगर ऐसे ही हार रही है पर ठीक है, फिर एक प्लेयर अच्छा खेल लेता है तो कम से कम उससे तो अच्छा है. तो एज नॉट टॉकिंग, मैं ये बता रहा था कि हमें खूब सब अभी हार रही है तो चलो हार जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है. नहीं, ऐसे बात नहीं है. हमें सब इतना अच्छा खेलना है, खेल सकते हैं, खेलना चाहिए. तो ऐसे ही जब हमें कुछ फैसला करना है तो खुद के लिए फैसला करना है या टीम के लिए करना है, दूसरों के साथ करना है. तो इसमें कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है पर हमें देखना है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और फिर उसके लिए अगर दूसरों को हमें कुछ नाराज करना पड़े तो हम कर देते हैं. वास्तव में कैसे एक चीज़ है कि अगर टीम में भी होता है तो टीम में अलग अलग लोग होते हैं. अगर कोई किसी बॉल को आके और बॉल करना है तो सारे 10 प्लेयर आके उसको बोलते हैं तुम ऐसा बॉल डालो, ऐसा बॉल डालो, ऐसा बॉल डालो, तो बेचारे प्लेयर कंफ्यूज हो जाएगा. स्पेशली एक दो प्लेयर तक वाइस कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन होता है, कोई सिंगल प्लेयर होता है, बोलता है क्या बात है, और फिर उसको खुद कॉल करना है. तो
अगर वो बॉलर सबको सबका सलामी लेकर करेगा तो कुछ कर नहीं पाए। उसी तरह से हमारे जीवन में ईजिएस्ट वे टू मेक योर सेल्फ मिजरेबल इज टू ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी। अगर हम सबको सुखी करना जानते हैं तो खूब बड़े दुखी होते कैसे नहीं कर सकते। हम सब सीमित जीव है, हमारी परिस्थितियां भी हमें लगभग सीमित करती है, तो इसलिए हमें देखना है कौन व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, और कभी कभी ज्ञान इसलिए समझ पर हमें ऐसे क्या चीज छोटी है क्या चीज बड़ी है यह तब समझ आता है जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है। अगर उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो फिर क्या छोटी चीज बड़ी होती जाती है। मान लीजिए यहाँ पे आप बैठे सुन रहे हैं, अभी ये एक घंटे के लिए डेढ़ घंटे पीछे बैठे हैं तो अनकम्फर्टेबल हो सकता है। अगर आपको लगे कब खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हमको प्रसाद देना है, घर जाना है, सवाल पूछ जाते हैं। पर अगर क्या होगा, अभी थोड़ा घुटनों में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो अभी क्या होगा कि अगर आप उस वो चीज है उसको उसके बारे में क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। तो ठीक है, ये कुछ कितना भी प्रवचन होगा ये बहुत समय तक चलने वाला है, थोड़ा सा बल्कि सहन कर लो, थोड़ा सा असुविधा है सहन कर लो। तो अगर आप मतलब कोई चीज जो बड़ी चीज है उस पर फोकस करते हैं तो छोटी चीज कौन सहन कर सकते। तो अगर आप यहाँ पे आए ही हो सिर्फ प्रसाद लेने के, तो फिर एक घंटा आपका प्रसाद 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 होगा। पर अगर आप के रोजे में सुनना है कीर्तन में लेना है और कीर्तन पाठ है प्रसाद भी लेना है, ठीक है, ये हो जाते हैं फिर वो करेंगे वो करेंगे। तो क्या है, जिसके लिए प्रसाद ही बहुत बड़ी चीज़ है तो बाकी सब चीज़ें सिर्फ असुविधा हो जाए, कब खत्म हो जाए। तो फिर क्या होता है, उस वजह से हम सबको छोटी चीज को छोटा रखना है, बड़ी चीज को बड़ा रखना है, उसके आधार पर फैसला करना है। ठीक है, आप सब यस क्या टेम्परामेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वास्तव में इसके लिए बताता कि जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम छोटी चीजों को ज्यादा बड़ा नहीं बनाते, ये बताता है। फिर हम देखते हैं कि जिंदगी स्प्रिंट नहीं है, मैराथन के समान। अब टेम्परामेंट मतलब टेम्परामेंट अच्छा नहीं है, मतलब क्या है कि व्यक्ति की भावना इतनी तेज जाती है कि उसकी बुद्धि पे वो हावी हो जाती है। मतलब वो बैटिंग कर रहा है पर अच्छा और वो भावना पे हो जाता है। तो बुद्धि और हमारे बुद्धि है हमारी भावना है। तो टेम्परामेंट मतलब क्या है कि भावनाओं का दमन नहीं करना है, कि भावनाओं को पूरा इनकार नहीं करना है, पर भावनाओं को कंट्रोल नहीं होना है, कंट्रोलर नहीं बनना है, बुद्धि के अनुसार तो भावनाओं को साधित करना है। तो ये कैसे होता है, एक तरह से हमारी भावनाओं को शुद्ध करना है और हमारी बुद्धि को सशक्त बनाना है। तो भावनाओं को शुद्ध बनाना करना है मतलब क्या है कि जिसको लगता है कि अरे चक्कर वाले लोग पागल हो गए वो बहुत अच्छा लगेगा, पर नहीं भावना को शुद्ध करना मतलब अगर मैं अच्छे से खेलूंगा तो मैच हमारी टीम को जिताऊंगा तो फिर जो सुख मिलेगा तभी लोग सराहना करेंगे तो उससे ऊंचा। तो कभी कभी हमारी भावना हम सब में ऐसी भावनाएं होती है कुछ ऐसे छोटी या नीचे निचला सोचा है और कुछ जो होती है भावनाएं अच्छा या ऊंचा सोचा है। तो जो भावना को शुद्ध करना मतलब छोटी छोटी चीजों में हमको उतना सुख नहीं मिलता है, हम बड़ी चीज चाहते उसमें सुख मिलता है। तो जब हम भक्ति करते हैं क्या होता है, उससे हमारी चेतना विकसित होती है। चेतना विकसित के मतलब क्या है, भावनाएं शुद्ध। तो हम हमारी जो भावनाएं छोटी छोटी चीजें विकसित नहीं होती है। तो भगवद्गीता में उदाहरण दिया इसके लिए कि जैसे कोई विशाल सागर है, सागर में लहर सागर के नदियां आ जाती है, सागर से कुछ नहीं होता है। पर मान लीजिए एक छोटा सा वाटर बॉटल थोड़ा सा खड्डा है
जिस तरह पानी है और वहां पर नदी आ गई तो क्या होता है, पूरा वो ओवरफ्लो है। तो क्या है, उस तरह से जो दुनिया में जो जो अच्छी चीजें बुरी चीजें बंद जो है वो एक नदी के समान आते हैं। अगर हमारी चेतना एक छोटे खड्डे में पानी के समान है तो हम उससे बहुत खुशी जाएंगे। अगर हमारी चेतना एक सागर के समान है तो हम विकसित नहीं होंगे। तो अब हमारी चेतना की मात्रा किस अनुपात में निर्धारित होती है, हमारी चेतना में क्या चीज प्रधान रूप से उपस्थित है। अगर जो चीज हमारी चेतना में उपस्थित है बड़ी चीज है तो हमारी चेतना भी बड़ी बन जाती है। भगवान सबसे बड़े हैं तो भगवान की जब हमारी चेतना केंद्र जाती है तो फिर क्या होती है, हमारी चेतना विकसित हो विस्तार जाती है और फिर दुनिया में जो चीजें आती जाती है उससे उतने विकसित नहीं होते। तो हमारी भावनाओं को शुद्ध करके हमारी बुद्धि को सुदृढ़ बना के सशक्त बना के, ठीक है, ये छोटी चीजें की बड़ी चीज़ और भक्ति के द्वारा भगवान से संबंध जो कि भगवान को अपने चेतना बनाने से क्या है हमारे टेम्परमेंट को और इम्प्रूव कर सकते। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब क्या होता है, कुछ लोग पंडित लोग होते हैं वो पूजा पाठ बनाने से जानते हैं, क्या हर एक व्यक्ति जो आत्मा है उसके द्वारा जानना ये आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब ये है प्रधान रूप से तीन चीजें भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और प्रधान क्षेत्र कि शरीर आत्मा और परमात्मा जानते हैं तो वो क्या है इस तो वो आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं MSc डिग्री प्राप्त करना। MSc मतलब क्या, और मास्टर ऑफ साइंस मैटर स्पिरिट एंड कंट्रोल, ये तीन चीजें हम समझ जाते हैं कि ये बहुत जगत है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। तो हम जो आत्मा है या आत्मा बीच में है, आत्मा का संबंध परमात्मा से होगा तो फिर वो आत्मा का उद्धार हो जाएगा और आत्मा सुखी प्राप्त हो जाएगी। और आत्मा का संबंध अगर जड़ तो मैटर से होगा तो आत्मा अशक्त हो जाएगा बद्ध हो जाएगा। तो आत्मा को भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में मिल जाते हैं, यही आध्यात्मिक ज्ञान है। Really necessary to follow rules? Can you give an example that you should not follow rules? I don't have any example, but I just thought of this question. Okay, is this like you can have rules? Yeah, that always follow rules is necessary. Look, one is rules, and the other is purpose of rules. तो क्या है, साधारणतया रूल्स फॉलो करने से जो पर्पस है जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होती है। तो मान लीजिए अगर अभी हम भारत में लेफ्ट साइड से ड्राइव करते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड से, अगर अमेरिका जाए तो राइट साइड से ड्राइव करते हैं। तो अभी ये भारत और अमेरिका का रूल बिल्कुल अपोजिट है पर दोनों रूल्स का पर्पस एक है। तो क्या रूल्स महत्वपूर्ण है पर उससे ज्यादा उसका पर्पज महत्वपूर्ण है। तो साधारण अगर रूल ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करते हैं तो सब उसका जो पर्पज उद्देश्य है कि लोग अच्छी तरह से ट्रैवल करके अपने अपने गंतव्य जा पाए वो पूरा हो पाए। पर कभी कभी रेयरली कभी कभी परिस्थिति आ सकती है कि वो रूल्स का उद्देश्य पूर्ति करने के लिए रूल्स का आपको उल्लंघन करना पड़े। तो मान लीजिए अभी किसी उसको हार्ट अटैक है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो तभी एम्बुलेंस है। तो एम्बुलेंस अपने जब हॉर्न बजाती है वाकई लोग बाजू में जाते हैं तो कई बार एम्बुलेंस वो फॉलो नहीं करती है जो नॉर्मली फॉलो करते हैं, वो रेड सिग्नल से चले जाए और बाकी पहुँच जाते हैं। तो क्या है वहाँ पे ट्रैफिक में लोगों को जहाँ जाना है सेफली अच्छी तरह से पहुँचाना वो उद्देश्य है, यहाँ पे इससे जान बचाना है तो वहाँ पे रूल्स ब्रेक हो सकते हैं। तो
just because there are exceptions to a rule does not mean that the rule is not necessary. साधारणतः रूल में बहुत जरूरी होते हैं पर उसका अपवाद हो सकता है. शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई नियमों का उद्देश्य भूल जाता है और सिर्फ नियम का पालन करते रहता है तो उसको नियमाग्रह कहते हैं. सिर्फ नियम पालन कर रहे हैं पर नियम का उद्देश्य नहीं है तो वैसा उचित नहीं है हमें. और खास करके आजकल के समाज में बहुत से लोगों को नियमों का उद्देश्य क्या है ये पता ही नहीं. और फिर अगर उद्देश्य पता नहीं होता है तो फिर जो नियम है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव बन जाते हैं, बहुत ही बंधन में डाल दिया जाते हैं. क्यों पालन कर सकते हैं? तो हमें सिर्फ लोगों को नियम नहीं बताने हैं. फिर उसने मुझे बोला ये नियम है ऐसे करो ऐसे मत करो. सबसे पहले हमको नियमों का उद्देश्य बताना है. जब हम समझाएंगे कि नियम पालन करने से क्या होगा और नियम का पालन न करने से क्या होगा तो लोग अपनी बुद्धि से नियम का पालन करेंगे. और जब नियम का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कभी नियम को त्यागना भी पड़े तो वो भी वो कर पाएंगे. ओके, ये सवाल यहाँ पे सवाल हम बाहर वालों से अच्छा बर्ताव करते हैं, घर में झगड़ा करते हैं. हाँ, ये बड़ा ही विचित्र होता है कि the people who matter the most to us, we treat them the worst. कि जो लोग हमें सबसे सबसे बुरा होते हैं, कभी कभी उनसे ही सबसे बुरा बर्ताव होता है. ये क्यों होता है? हृदयों के अहंकार में कि हम सब जब दुनिया के सामने होते हैं तो खुद को थोड़ा डिसिप्लिन करते हैं, खुद को थोड़ा नियमित करते हैं. और जब घर में आते हैं तो हम सोचते हैं यहाँ पर कुछ नियम नहीं चाहिए, I just be one है. तो एक तरह से हम सबको ऐसे लोग चाहिए जिनके सामने हम हमारे भावनाओं को दबाना पड़े. मान लीजिए मैं बहुत चिंतित हूँ पर दुनिया के सामने मैं दिखाता हूँ कि चिंता नहीं है. पर अगर चिंता सही में है मुझे तो कोई तो है उसके सामने चिंता में व्यक्त कर सकती. अगर कोई भी नहीं होगा तो चले आए. तो एक तरह से we lower our emotional guard when we are with the people whom we love. जो लोग हमारे सामने बहुत घनिष्ठ संबंध है उनके सामने हमारे भावनाओं को नियंत्रित करना जो होता है उसको कम करते हैं. मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ, तो ये सब जो भावनाएं हैं यहाँ सब हम सब दुनिया के सामने व्यक्त नहीं कर सकते. कुछ कुछ लोगों के सामने व्यक्त कर सकते. तो साधारणतः जो जिनसे हम स्नेह होता है, प्रेम होता है, उनके सामने हमारे भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं, दबाते नहीं है. पर फिर भी इसका मतलब नहीं है कि कोई भी भावना कैसे भी हम व्यक्त कर सकते. एक स्वाभाविक रूप से वी लोअर आर इमोशनल गार्ड, बट स्टिल दैट इमोशनल गार्ड नीड्स टू बी देयर. पूरा ही हम बिना विचार के व्यक्त करते हैं तो फिर वो उचित नहीं है. तो क्या हो जाएगा उससे? हम बहुत सी ऐसी चीजें बोल देंगे जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, जो हमें नहीं करनी चाहिए कर देंगे. कैसे होता है कि हम किसी के मन को नहीं देख सकते. हम किसी के मन में क्या विचार है, क्या भावना है, यह हम नहीं देख सकते. और यह एक बहुत बड़ा वरदान है. क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरों के विचार, भावना, इच्छा देखने लगे तो एक भी सम्मान टिक नहीं पाएगा. तुम ऐसा सोचते हो, इच्छा करते हो, तुम इस तरह के लगते हो, कोई भी सम्मान नहीं लग पाएगा. तो निसर्ग में हमको एक एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया है, सर्वेक्षण का माध्यम दिया है कि हमारे मन में विचार आते हैं, इच्छाएं आती है, भावनाएं आती है, पर वो अपने आप शारीरिक स्तर पर व्यक्त नहीं होती है. वर्चुअल एक ऐसे बफर है, हमने फिल्टर है. तो फिल्टर रखना महत्वपूर्ण है. तो कुछ लोग अगर फिल्टर बहुत टाइट होता है तो प्रॉब्लम होता है, पर फिल्टर हमेशा जरूरी है. अगर फिल्टर नहीं होगा तो फिर हम कोई भी संबंध बरकरार नहीं रख पाएंगे. इसलिए जो हम सब हमारे पर्यावरण में
कि इनके साथ मेरा इमोशनल गार्ड पूरा नहीं चलना सकता, थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहिए, उससे हम उनसे बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। अच्छा, तो हम नियम पालन करना चाहते हैं पर बार बार वो हमसे अजस्ट हो जाते हैं, तो क्या करें उसके बारे में? एक तरह से स्वाभाविक मानवीय संघर्ष है, हम सबके साथ होता है। इसके लिए हमें तीन चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले कि नियमों का पालन करने से महत्वपूर्ण है, नियमों का उद्देश्य हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई भी नियम बोलते हैं तो वो नियम का मतलब होता है कुछ चीज हमको नहीं मिल पाता है, मतलब ऐसे करो मतलब ऐसा 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 नहीं, और ऐसे ऐसे करने से जो भी नहीं मिलने वाला है। अगर मैं नियम करता हूँ कि मैं रोज एक घंटा पढ़ाई करूँगा, तो मतलब वो एक घंटा मैं मेरा फोन नहीं दे सकता, मैं टीवी नहीं देखता, मैं किसी गपशप नहीं कर सकता, तो क्या होता है हमारा मन तुरंत जो नियम के कारण हमको नहीं मिलने वाला है उससे हो जाता है। तो इसीलिए हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें हमेशा खुद को उसके उद्देश्य की याद दिलाना है, ठीक है? नियम का पालन करने से क्या होने वाला है, नियम के कारण क्या नहीं मिलने वाला है, उसका हम विचार करेंगे तो नियम का पालन करने की इच्छा चल जाएगी, चेहरे की हमारी कम हो जाएगी, और हमारा मन हमेशा कोई एक भी याद आता है, नहीं कर पा रहे। इसलिए हमें सबसे पहले नियम का उद्देश्य क्या है उसको बार बार हमको याद दिलाना चाहिए। दूसरा चीज ये है संघा संज्ञा लेते काम कि उसके हमारे जो इच्छाएं हैं वो संघ में विकसित होती है। इसीलिए अगर हम कुछ नियम पालन करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का संग करें जो भी वो नियम पालन करते हैं। तो अगर हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और मान लीजिए हम कहीं गवर्नमेंट में हॉस्टल में ऐसे रूम में रह रहे हैं, ऐसा नहीं डूबते, तो मान लीजिए आप सुबह उठ जाते हैं, देखते हैं सब सो रहे हैं, अकेला अगर हम पालन करना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरा है सबसे पहले पर्पस याद रखो, दूसरा है संघ, और तीसरा है कि सेट फाइनाइट गोल्स। अगर नियम ऐसे रखते हैं कि मैं आज से रोज सुबह करने वाला, मैं रोज ये करने वाला, तो अगर ऐसा आज से हमेशा के लिए रोज ये करने वाला ऐसा नियम करते क्या होता है, कई बार उस नियम में यश है ही नहीं, सिर्फ अपेक्ष की संभावना है। मैं 30 दिन के लोन उठूंगा पर 31 दिन में अगर उस नहीं उठ पाया मेरा पराजय हो गया, ऐसे लगे तो क्या होता है, बहुत बड़ा बोझ बन जाता है जिंदगी में मुझे। तो अगर आप छोटा नहीं, नॉट छोटा, नॉट अ स्मॉल रूल बट अ स्मॉल स्टेप फॉर फॉलोइंग दैट, कि ठीक है मुझे ये कार्य करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता, शायद इतना कर सकता, इतना तो मैं जरूर कर सकता, ठीक है इतना से शुरुआत करता हूँ, मतलब क्या कि मान लीजिए मुझे भगवद्गीता पढ़नी है, तो मुझे भगवद्गीता तो पढ़नी है पर बहुत बड़ी सी बात, कैसे पढ़ूंगा मैं, समय नहीं मिलता मुझे, क्या मैं एक श्लोक रोज पढ़ सकता हूँ, सिर्फ 5 मिनट लगे, 5 मिनट तो नहीं पढ़ सकता। तो इसमें फिर SSS स्मॉल सिंपल स्टेप्स, कि कोई बहुत बड़ी चीज करने का विचार मत करो, स्मॉल सिंपल क्या मैं इतना कर सकता हूँ उतना करो, कभी उससे अगर कर पाए तो खुद को थोड़ा सराहना करो, भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करो मैसेज कर पाया अगर आगे बढ़ो। तो इवन इफ यू वांट टू डू बिग यू नीड टू स्टार्ट स्मॉल। तो कभी क्या होता है हम शुरुआत बहुत बड़ा करते हैं, मैं रोज
3 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करने लगा है, मैं रोज 10 घंटे पढ़ाई करूँ, 10 दिन तक अब किताबें नहीं खोलूँ, 10 घंटे खोया हो जाता है, ये हो गए स्मॉल सिंपल स्टेप्स। तो ये 3 चीजें हम करेंगे तो जो हम नियम का पालन है कि पर्पज याद रखो, संग अच्छा करो और छोटे छोटे कदम में आगे बढ़ो, तो हम पालन अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की गौर। थैंक यू गुरुजी फॉर एनलाइटिंग अस, kind words, as Guruji said.